तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप जानते हैं, एशिया कप 2023 का हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का मंजूर कर लिया गया है और वर्ल्ड कप का भी हर इंडिया ने शेड्यूल जारी कर दिया है। तो उससे पहले जो पाकिस्तान है उसने 2019 से 2023 तक जो ODIs के जो मैचेस है ना, बहुत कम रखे हुए थे। लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान है, जो PCB चाह रहा है कि जी वर्ल्ड कप से पहले कुछ मैचेस करवा लिए जाएं और एशिया कप से भी पहले कुछ ODIs मैचेस करवा लिए जाएं। खैर, PCB ने अब ये इस बारे में सोचा है और क्यों ना, चूँकि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो बहुत कम है ODIs के, तो इसीलिए PCB ने इस पर एक मौक़ तैयार किया है। और कौन कौन सी टीमें जी जिनके साथ पाकिस्तान खेल सकता है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जी मैं इधर बताता चलूँ आपको कि जी पाकिस्तान ने चार ममालिक्स को, ये बहुत बड़ी यानी कि टीमें हैं, चार बड़ी ख़तरनाक समझी जाती हैं क्रिकेट की दुनिया में, उनको जी मेल सेंड कर दिए हैं, उनको लेटर सेंड कर दिए हैं। और उनमें से जो एक टीम है उसको जी बहुत यानी के ना क्या कहते हैं जी ख़तरनाक टीम समझा जाता है, और उस टीम का भी खैर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जी PCB इसलिए भी चाह रहा है कि जी जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ना, उनका ज़रा स्टैमिना बढ़े ODI के हवाले से, और ताकि एशिया कप विन करना है हमने, और यार वर्ल्ड कप भी हमने विन करना है। एशिया कप तो खैर इंशाल्लाह विन करना है और वर्ल्ड कप भी साथ साथ विन करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि जी अब जो पाकिस्तान टीम भी अब ऑफिशियली जा रही है इंडिया, तो इंशाल्लाह इंडिया को इंडिया में ही हराना है, ये जी हमारा मौकफ है। और जौन सी टीम्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कौन कौन सी टीमें हैं जो अभी तक फ्री हैं और जिनके साथ सीरीज़ हो सकती है, तो जी ये भी मैंने आपको बताना है आज। फिर जी मैं आपको बताता चलूँगी जी चार टीमें हैं, उनमें जी सबसे पहले बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। ये चार टीमें बहुत बड़ी समझी जाती हैं दुनिया क्रिकेट में, और इनको बाकायदा तौर पर PCB ने मेल सेंड कर दी हैं। लेकिन मैं आपको इधर बताता चलूँ कि PCB ने तो खैर मेल सेंड कर दी हैं, लेकिन उनका क्या शेड्यूल है, उनका क्या शेड्यूल जा रहा है, और आया कि वो अवेलेबल भी है पाकिस्तान में आने के लिए या पाकिस्तान की टीम उधर जाने के लिए अवेलेबल भी यानी कि हैं, तो ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अच्छा जी, मैं सबसे पहले बात करूंगा साउथ अफ्रीका की टीम की, और साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ्री बैठी हुई है, और उनके जो इंटरनेशनल टूर्स हैं वो जी एक ही उनका टूर है, वो जी अगस्त के एंड पे स्टार्ट हो रहा है, 17 सितंबर तक उन्होंने फ्री हो जाना है, और उसके बाद उनका कोई भी नहीं है। और वो जो 17 सितंबर को जो टूर है ऑस्ट्रेलिया ने जी साउथ अफ्रीका आना है और सीरीज़ के लिए, तो उसके बाद जी साउथ अफ्रीका की टीम बिल्कुल फ्री है, और साउथ अफ्रीका की टीम के साथ हम सीरीज़ कर सकते हैं, या तो उधर जा सकते हैं या साउथ अफ्रीका की टीम को इधर बुला सकते हैं। जब मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, और एक दफ़ा फिर मैं इंडियन से सॉरी बोल रहा हूँ इस बारे में, और जी जो ऑस्ट्रेलिया है वो एशिज़ खेलने के लिए, हर उन्होंने अभी WTC का फाइनल भी जीता है, और अब एशिज़ खेलने के लिए वो इंग्लैंड में मौजूद है, और जो एशिज़ हैं वो जी ख़त्म हो रहे हैं जी 27 जुलाई को और 30 जुलाई तक यानी ख़त्म हो जाना, और 30 जुलाई से 30 अगस्त तक ये ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो मुकम्मल तौर पर फ्री है, और इनके साथ भी सीरीज शेड्यूल हो सकती है। जी इसके बाद जी मैं इंग्लैंड की बात करूंगा, और जो इंग्लैंड है इसके साथ अभी खैर लेटर नहीं इनको लिखा गया, कोई मेल वगैरह इनको अभी नहीं सेंड नहीं हुई PCB की तरफ से, लेकिन बात यह है कि जी जो इंग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि इनके आयरलैंड के साथ भी मैचेज हैं और एशिज में भी वो मसरूफ़ हैं, और उसके बाद जी कुछ वाइट बॉल्स के भी इनके मैचेस मौजूद हैं, और 26 सितंबर तक जाके इन्होंने फ्री होना है, तो इंग्लैंड हर एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हो पाए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा बिजी जो शेड्यूल है वो नज़र। अब मैं बात करता हूँ जी न्यूजीलैंड टीम की, और जो न्यूजीलैंड की टीम है वो इस टाइम बिल्कुल फ्री है, और बड़ी खबरें आ रही थी कि जी न्यूजीलैंड टीम के साथ सीरीज़ हो सकती है, और जब ऑस्ट्रेलिया उधर चला जाएगा फिर जी इन्होंने जाना इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ कुछ वाइट बॉल के इनके मैचेस हैं, और वो जो मैचेस हैं वो 15 सितंबर तक ख़त्म हो जाएंगे, तो जी न्यूजीलैंड फ्री है, इनको खैर मेल भी कर दी गई है, तो मुमकिन है कि इनके साथ सीरीज़ हो सकती है। अब जी बांग्लादेश की बात करते हैं, और बांग्लादेश की टीम भी इस टाइम बिल्कुल फ्री है, और पाकिस्तान का खैर वेट नहीं कर रहे, लेकिन वो इस टाइम फ्री हैं, और इनको भी हर हाथ लिख दिया गया है। और जो बांग्लादेश की टीम है इनका जी अफगानिस्तान के साथ मैचेस हैं वो भी अगस्त के स्टार्ट में, और उससे हर पूरा अगस्त, उसके बाद वो फ्री हैं। तो अगर जी बात करें अगर चारों टीमों की, तो जी न्यूजीलैंड और जो साउथ अफ्रीका की टीम है उन्होंने 15 सितंबर तक फ्री हो जाना है, तो 15 दिन तो खैर इनके पास होंगे, क्योंकि आगे जो न्यूजीलैंड है उन्होंने अपना ओपनिंग मैच स्टार्ट करना है, मार्की इवेंट जो स्टार्ट होना है वो जी 5 अक्टूबर को होना है, तो उन्होंने ज्वाइन करना है न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड के साथ उनका मैच है,
तो जी 15 से यानी कि 15 को दिन है इसमें भी, यानी कि वो फ्री है। और अगर सारी टीमों की बात की जाए तो सारी टीमों का जी जो अगस्त का महीना है ना वो जी फ्री नज़र आ रहा है जी। अब लास्ट बात यह है कि जी अगर पीसीबी थोड़ी सी कोशिश करे इन टीमों को, ये जो तीन टीमें हैं इनको, तीन से चार जो भी हैं, इनको अगर एंगेज करने की अगर वो कोशिश करे तो पाकिस्तान एक जी एक तीन मुल्की इवेंट भी करवा सकता है, तीन मुल्की टूर्नामेंट भी करवा सकता है। इनको बोलेंगे जी आपको हर तरह की कंडीशंस मिलेंगी, एशियन कंडीशंस का इनको लालच दें, तो खैर शायद ये सीरीज़ हो सकती है। और जो लोग कहते थे ना कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, उनको भी जहर समझ आ जाएगी फिर के किस किस्म का सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान में जब ये टूर्नामेंट होगा। तो नज़र आ रहा है कि जी मुमकिन है कि जी अगस्त में एक अगर इन्होंने एंगेज कर लिया, अगर तो है तीनों ना आई तो अगर न्यूजीलैंड आ गई या साउथ अफ्रीका आ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बिजी तरह नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ना आए। तो अगस्त में मुमकिन है कि जी कोई ना कोई सीरीज़ पाकिस्तान में हो सकती है, और इससे ये होगा कि जी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका टेम्परामेंट बढ़ेगा और उनको एक प्रैक्टिस का मौका मिलेगा एशिया कप से भी पहले। और हैर उनका एक जोन सी करते हैं ना कि बाबर की फॉर्म या क्या नाम है उसका अपना शहीन अफरीदी की फॉर्म या जी हारिस की फॉर्म, तो ये चीज़ें खैर वापस आ सकती हैं। और जी एक उनको एक क्या कहते हैं एक मौक़िफ़ मिल जाएगा उनकी बैटिंग को भी और जी बॉलिंग को भी। तो देखें जी अब क्या सूरत हाल चलती है, तो शायद उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि जी शायद सीरीज़ हो सकती है और मुमकिन भी नज़र आ रहा है। अच्छा जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और खैर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।